बच्चों आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हाईलाइट इंटर साइंस क्लासेस में। बच्चों आप लोगों का एग्जाम का समय काफी नजदीक आ रहा है और आप लोगों को टेंशन होगा एग्जाम का। आप लोगों के टेंशन को दूर करने के लिए हम चला रहे हैं क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स में केवल उन्हीं क्वेश्चन पर विचार कर रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखें ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त कर सकें। एक बात और, यदि आप नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन पहले आपको प्राप्त हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो में हम पिछले वीडियो में हम बात किए थे क्रैश कोर्स के अंदर त्रिकोणमितीय भी पढ़ा रहे हैं। त्रिकोणमितीय में लेक्चर 3 हो चुका था। आज लेक्चर 4 में हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर विचार करेंगे। लेक्चर 4 में हम पढ़ेंगे, आप लोग देखते हो यदि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है प्रूफ करने वाला, त्रिकोणमिति से संबंधित प्रूफ करने वाला क्वेश्चन पूछता है, तो प्रूफ करने वाला कुछ क्वेश्चन को लेकर आया है जो बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं और पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो हम उन्हीं क्वेश्चन को देख रहे हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा, आप स्क्रीन बोर्ड पर अपना ना मोबाइल की स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। चलते हैं क्वेश्चन पर, इसे फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। क्वेश्चन दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर, दिख रहा होगा क्वेश्चन, क्वेश्चन को देखिए। अरे वैसे हम क्वेश्चन को लिख भी रहे हैं, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। यही बात आपको क्या करना है, साबित करना है। चलिए साबित करते हैं, देखते हैं कैसे साबित कीजिएगा। जब भी साबित करने वाला क्वेश्चन आएगा तो उसको आप क्या क्या कीजिएगा, आप LHS और RHS से साबित कीजिएगा। LHS को उठाइएगा, उसी के सहायता से RHS प्रूफ कर दीजिएगा, चाहे RHS को उठाइएगा उसकी सहायता से LHS को प्रूफ कीजिएगा, चाहे LHS से भी कुछ टर्म लाइन निकालिएगा RHS से निकालिएगा, जब दोनों टर्म बराबर हो जाएगा तो कहेंगे साबित हो गया। ठीक है, तो उसी पर तीन को फॉर्मूला होता है। अब देखिए किस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, हम प्रूफ कर रहे हैं, हम पहला ही फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए पहले प्रूफ करते हैं, LHS दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, LHS कह रहा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इतना लिखा हुआ है, कह रहा है इसका होल स्क्वायर है, इतना हमको साबित करना है। चलिए साबित करना बात की बात है, पहले देखिए LHS में आपके पास क्या है। आप एक बात पर विचार कीजिएगा कि आपके पास जो भी क्वेश्चन होगा ना, और साबित करने वाला त्रिकोणमिति में कोई भी क्वेश्चन होगा, तो आप पहले क्वेश्चन को मैं जो दिया रहेगा टर्म रहेगा उस सभी टर्म को त्रिकोण साइन कोस में बदलने का प्रयास कीजिएगा। आपको पता होगा छो अनुपात होता है कि नहीं होता है, इसमें से क्या कीजिएगा, चार को टर्म जो भी होगा उसको क्या साइन कोस में लिया जाएगा, क्योंकि छो होता है तो साइन कोस छोड़ेगा चार होगा, चार को जितना भी चार में से कोई रहेगा उसको क्या कीजिएगा बदल लीजिएगा साइन कोस में। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ कोसेक दिया हुआ है, चलिए इसको साइन बदलते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉस को है ना कॉट को बदल लीजिएगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटे क्या हो जाएगा साइन थीटा, इतना क्या हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर साइन थीटा का लसक ज्ञात कीजिएगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पर है ना साइन जब भाग दीजिएगा तो 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा, इसका क्या हो गया स्क्वायर। अब दोनों को अलग कर लीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख लीजिए, अब बटे में साइन थीटा ये भी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, हुआ कि नहीं हुआ। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा का क्या है होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसको लिखिए ऐसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं, फॉर्मूला होता है आपको पता है। ठीक है, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब देखिए आगे बढ़ाते हैं इसको ऐसे, तो ऊपर में है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस क्या है कॉस थीटा का क्या होल स्क्वायर, अब बटे में यहाँ पे क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या दिया हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखिए आगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर वाला को दो भाग में तोड़ दीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कितना कॉस थीटा, अब बटे में ये क्या हो गया 1 प्लस कॉस थीटा और ये हो गया 1 माइनस कितना कॉस थीटा, लेकिन एक कटने वाला, कटने वाला है कि नहीं, चलिए इसकी स्वीकार दीजिए आगे कितना 1 माइनस कॉस थीटा बटे क्या हो गया 1 प्लस कॉस थीटा, देखिए तो वही ना RHS दिया हुआ है, चलिए ये हो गया RHS साबित हो गया मेरा है ना, क्या हो गया जो दिया हुआ था सवाल कह रहा था cos theta माइनस cot theta होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस cos theta 1 प्लस cos theta, साबित करना ये क्या हो गया साबित हो गया। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा, आप क्वेश्चन को देखिए, लेकिन यदि आपको आता है बनाने तो उसको जल्द से उसको बनाने का प्रयास कीजिए और बनाकर देना जल्दी से रेडी कर लीजिए। अब मिलान करके देखिए क्या आपका मैच कर रहा है मेरे से कि नहीं मैच कर रहा है, क्योंकि हमको तो कुछ सारा ना मिटाने में भी समय लग रहा है, तब तक आप है ना बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेकेंड क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कह रहा है कॉस थीटा
कॉस थीटा नहीं सॉरी वहां पे ए दिया हुआ है, कॉस ए वन प्लस साइन ए दिया हुआ है, कॉस ए बट ए वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए बटे में क्या है कॉस ए, क्या क्वेश्चन है कॉस ए बटे, क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, कॉस ए बटे वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए बटे कॉस ए बराबर क्या दिया हुआ है टू सेक ए दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसको साइन साबित करने का प्रयास करते हैं, जैसे किया है पीछे उसी प्रकार इसको भी साबित कीजिए, ठीक है। चलिए एलएचएस को देखिए, एलएचएस एलएचएस में क्या दिया हुआ है, कह रहा है कॉस ए बटे वन प्लस साइन ए, अब प्लस में वन प्लस साइन ए अब बटे में क्या है कॉस ए दिया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे साइन को स्मॉल लेटर टूटा हुआ है तो तोड़ने का प्रयास नहीं कीजिएगा अपना उसको। चलिए यहाँ से कलश ज्ञात कीजिए, पहले इसका दोनों कलश से ज्ञात कीजिएगा तो वन प्लस साइन ए इंटू में क्या हो जाएगा कॉस ए, इससे भाग दीजिएगा तो कॉस बचेगा, कॉस को गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा कॉस ए स्क्वायर ए प्लस भाग दीजिएगा क्या बचेगा वन प्लस साइन ए का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। यहाँ पर इसको स्क्वायर तोड़िए तो कॉस स्क्वायर टूटा हुआ दस के तस्वीर इसका तोड़ लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस क्या होता है टू ए बी होता है तो क्या टू ए बी, अब बटन यहाँ पे क्या हो जाएगा वन प्लस साइन ए और उसको जस के तस रख दीजिए कॉस ए को, ठीक है। अब यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है कि नहीं, ये दोनों को है क्या करेंगे एक जगह पे लिख लेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दोनों को एक जगह लिख लीजिए, प्लस में वन और प्लस में कितना है टू साइन ए दिया हुआ, अब बटे में क्या है वन प्लस साइन ए इंटू में क्या है कॉस ए दिया हुआ, ठीक है। यहाँ से साइन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है क्या बचेंगे वन प्लस टू साइन ए, अब बटे में क्या है वन प्लस साइन ए और इंटू में क्या हो जाएगा कॉस ए, ठीक है। यहाँ पे वन वन गुजरेगा दो होगा ये हो जाएगा कितना दो प्लस दो साइन ए, अब बटे में क्या हो गया वन प्लस साइन ए इंटू में क्या है कॉस ए, यहाँ से बराबर ऊपर से दो कॉमन हो जाएगा, चलिए दो कॉमन ले लीजिए तो वन प्लस साइन ए अब बटे में क्या है वन प्लस साइन ए इंटू में क्या है कॉस ए, यह है ना। अब देखिए यहाँ से साइन वन प्लस साइन ए से कट जाएगा आगे आ जाएगा दो बटे कितना गया कॉस ए, दो बटे कॉस दो को ऐसे लिख सकते हैं तो है ना कॉस को दो है ना एक बटे कॉस से लिख सकते हैं कि नहीं, अब बताइए एक बटे कॉस सेक होता है कि नहीं होता है तो दो गुने क्या हो गया सेक ए बराबर क्या साबित हो गया दो सेक ए, ये क्या हो गया साबित हो गया, क्या बताइए आने तो साया कि नहीं आया, देख रहे हैं बहुत ही आसान है प्रूफ करने वाला क्वेश्चन काफी है ना आसान क्वेश्चन से भी पूछा जाता है काफी आसान क्वेश्चन है, देख रहे हैं कि नहीं। चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा, देखिए क्वेश्चन को तीसरा क्वेश्चन को ना बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर तीन देख रहे हैं, क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन ही है आप बना भी सकते हैं उस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर तीन को गौर से देखिए कैसे बनाइएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कह रहा है साइन थीटा माइनस टू साइन क्यू थीटा, क्या दिया हुआ है साइन क्यू स्क्रीन बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहा होगा साइन थीटा माइनस टू साइन क्यू थीटा बटे टू कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर कितना है टैन थीटा, साइन थीटा माइनस टू साइन क्यू थीटा बट ए टू कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर कितना दिया हुआ है टैन थीटा दिया हुआ है। चलिए एलएचएस उठाइए, एलएचएस एलएचएस बराबर ध्यान दीजिए बोर्ड पर क्या दिया हुआ है उसको पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। और आपको हम बताए हैं कि जे भी नोट करने के बाद आप देखिएगा क्या आपका सवाल जो है एलएचएस में जो है वर्ष प्रत्येक टर्म क्या साइन कॉस में टूटा हुआ है कि नहीं, अगर टूटा हुआ नहीं है तो उसको तोड़ने का प्रयास कीजिए, अगर टूटा हुआ है तो उसको आगे का है ना बनाने का प्रयास कीजिए। ऊपर से देखिए तो गौर से साइन कॉमन हो जाएगा, चलिए साइन कॉमन निकाल लीजिए तो बचेगा वन माइनस क्या बचेगा टू साइन स्क्वायर थीटा, अब बटे में यहाँ से कॉस कॉमन लीजिएगा कॉस कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा
टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा वन। देखिए वास्तव में ये दोनों बात एक ही होता है, जब आप इलेवेंथ क्लास में जाइएगा ना तो पढ़िएगा, ये दोनों एक ही फॉर्मूला होता है, पॉइंट दोनों से कॉस टू थीटा का ही फॉर्मूला होता है, हम यहाँ पे काट सकते हैं। लेकिन अभी टेंथ क्लास में पढ़े हैं, टेंथ क्लास में ये फॉर्मूला आपको नहीं पढ़ाया गया है, इसी कारण टेंथ क्लास में जो फॉर्मूला उपयोग होता है उसी पर हम इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। वैसे ये दोनों बराबर इसको काट सकते हैं, काटने के बाद साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा टेन हो जाएगा, प्रूट हो जाएगा। लेकिन अभी हम यहाँ पे काटेंगे नहीं, क्या करेंगे यहाँ पर काटेंगे, आपको टेंथ क्लास का आधार भी बताएंगे, इंटर क्लास काट के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अभी अभी नहीं बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे टेंथ क्लास चला है, तो टेंथ क्लास के फॉर्मूला को यहाँ पे क्या करेंगे यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे साइन थीटा वन माइनस टू सेकंड साइन स्क्वायर थीटा, उसको जस के तस रहने दीजिए, उसको क्या कीजिए जस के तस रहने दीजिए। नीचे में दिया हुआ है कॉस थीटा, अब ये कॉस स्क्वायर है ना, तो इसके जगह पे आप लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या नहीं लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर की जगह पे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब माइनस वन हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर साइन थीटा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, अब बटे में क्या हो गया कॉस थीटा, यहाँ से ना तोड़िएगा तो दो एकम दो माइनस हो जाएगा दो साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया माइनस वन। अब देखिए ऊपर वाला जस्ट पे तस लिख दीजिए, यहाँ पर लिखिएगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू में वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, अब बटे में यहाँ से हो जाएगा कितना कॉस थीटा। अब देखिए पहले दो में से एक जाएगा तो एक होगा, और दो साइन स्क्वायर यहाँ पे होगा कि ना होगा, दो साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इससे इसको काट देंगे, कटने वाला है कि नहीं, हम आगे ही बोले हुए थे कि कटेगा ही, लेकिन आपको टेंथ क्लास में आप पढ़ रहे हैं इसे टेंथ क्लास के जैसे ही बताया आपको, और यह दोनों कट जाएगा, आएगा मेरे पास रिजल्ट साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मान कितना होता है टैन थीटा, ये आपका मान हो गया टैन थीटा हो गया, जो देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पर साबित करना था टैन थीटा था कि नहीं, यह आपको हो गया आर एच एस का हो गया साबित हो गया प्रूव्ड हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर चार देखते हैं, आपके स्क्रीन बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। देख रहे हैं स्क्रीन बोर्ड पर, देखिए क्वेश्चन अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन प्लस टेन स्क्वायर ए बटे वन प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर वन माइनस टेन ए बटे वन माइनस कॉट ए का क्या है होल स्क्वायर, साबित क्या करना है टेन स्क्वायर ए साबित करना है, ठीक है। क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा, हम पुनः लिखे भी हैं। क्वेश्चन चार है, वन प्लस टेन स्क्वायर ए बटे वन प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर साबित करना है वन माइनस टेन ए बटे वन माइनस कॉट ए पूरा का होल स्क्वायर बराबर कितना टेन स्क्वायर ए। चलिए साबित कीजिए, यहाँ पर तीन तीन टर्म दिया हुआ, इससे पहले जो तीन क्वेश्चन आप देखे हैं उसमें क्या क्या दिया था, एल एच एस और आर एच एस का दोनों प्रूट किए हैं, अभी एल एच एस भी है आर एच एस भी है, अब पिछला जो मीडिय है ना क्या कहते हैं मध्य पक्ष भी है जिसको मैं ना मिडिल हैंड साइड बोलते हैं, तो वह तीसरा भी पक्ष है इसको भी साबित करना है, ठीक है। चलिए साबित हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, सब साबित होगा। चलिए पहले शुरू कर लीजिए, इसे एल एच एस उठाइए, एल एच एस बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर ए बटे में क्या है वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। चलिए आपको पता होगा वन माइनस टेन स्क्वायर ए और बटे वन प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान क्या होता है, तो वन प्लस टेन स्क्वायर का मान आप लोग पढ़े होगा सेक स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, और वन प्लस कॉट स्क्वायर का मान क्या होता है कॉसेक स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपको पता है बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर सेक स्क्वायर का मान क्या होता है वन बटे कॉस स्क्वायर ए होता है, अब बटे में यहाँ पर से कोसेक का मान क्या होता है वन बटे साइन स्क्वायर ए होता है, अब ये पलटिया मारेगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, अब बटे में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, इसको एक जगह लिख सकते हैं साइन ए बटे कितना कॉस ए का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, और साइन बटे कॉस क्या होता है टैन होता है, तो लिखेंगे टैन ए का क्या हो गया स्क्वायर बराबर साबित हो गया है ना टैन स्क्वायर ए, यह पक्ष साबित हो गया आर एच एस। देखिए शुरू वाला टर्म तो उठा है एल एच एस और वहां साबित कर दिए हैं आर एच एस, एक साबित हो गया, ठीक है। अब हम साबित क्या कर रहे हैं पुनः इसे कौन वाला टर्म को है ना पिछला टर्म को, अब देखिए सही इस पॉइंट अब मिडिल है ना एम एच एस की तरह लिख सकते हैं मिडिल हैंड साइड पिछला पॉइंट बस में नहीं इसे मिडिल हैंड साइड की तरह इसको लिख सकते हैं, तो वन माइनस टेन ए बटे वन माइनस कितना है
cot a का होल स्क्वायर। चलिए हम तो पहले बोले थे त्रिकोणमिति में जब भी प्रूट करना होगा तो साइन को तोड़ने का प्रयास कीजिएगा, नहीं है तो सो कीजिए तभी होगा, नहीं तो नहीं फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ पे वन माइनस टेन एक्स उसके जगह पे लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस, लिख सकते हैं कि नहीं, अब पूरा का बटे में वन माइनस कॉट ए कॉट की जगह पे क्या लिख सकते हैं कॉस ए बटे कितना साइन ए, पूरा का क्या हो गया होल स्क्वायर। चलिए बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ऊपर में इसका एलसीएम ज्ञात कीजिएगा तो कॉस ए माइनस साइन ए अब बटे में क्या हो गया कॉस ए, और नीचे में साइन ए माइनस कॉस ए अब बटे में क्या हो गया साइन ए, इसका क्या हो गया स्क्वायर। चलिए अब अंदर के स्क्वायर को प्लटिया मार देते, हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए बटे में कॉस ए और यहाँ पर इंटू में ये हो गया साइन ए बटे साइन ए माइनस क्या हो जाएगा कॉस ए। अब देखिए ना ये दोनों टर्म एक ही जैसा है कि नहीं है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं काट सकते हैं कि नहीं, इसको काट सकते हैं, कितना मरतब है माइनस वन मरतब, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर माइनस साइन ए और बटे में क्या हो गया कॉस ए का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर कीजिए प्लस हो जाएगा साइन का साइन स्क्वायर होगा और कॉस कितना इसके जगह पे लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन बटे कॉस क्या होता है टेन होता है ना, तो लिख दिया टेन स्क्वायर ए, देखिए क्या साबित हो गया आर इतना साबित हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए शुरू वाला पद से अंतिम वाला पद साबित कर दिए, फिर पिछला पद से अंतिम वाला है ना अंतिम वाला पद को क्या करती है साबित करती है। तो आज की इस वीडियो में हम चार क्वेश्चन लिए जो काफी मोस्ट वांटेड वीवीआई क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम इस बार पूछे जाने वाले हैं और पूछे गए भी हैं, बहुत बड़े क्वेश्चन से पूछा गया है और पूछे जाने वाले हैं, इसलिए इस चारों क्वेश्चन को आप बढ़िया से है ना अध्ययन करके तभी परीक्षा बोर्ड में एग्जाम देने चाहिएगा। बस समझ में आया कि नहीं, आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द क्या कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बाद अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को काफी ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो से क्या हो लाभ उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।